नमस्कार। कविताएं सुनी अनसुनी में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज और आज का विषय है छत्रपति शिवाजी महाराज और नारी सम्मान। ऐसा विषय क्यों? कुछ श्रोताओं ने हमसे पूछा कि शिवाजी महाराज के राज्य में तो सभी महिलाओं का खूब सम्मान होता था, तो कविराज भूषण ने कुछ ऐसे छंद कैसे लिखे हैं जिसमें कि नारियों के मन में शिवाजी महाराज के आक्रमण के कारण कितना भय है उसको दर्शाया गया है। इसका एक एक्सप्लेनेशन बड़े सरल शब्दों में हमने तब भी दिया था जब ऊंचे घोर मंदिरों इस छंद का विश्लेषण किया था। क्या कविराज भूषण ये कह रहे हैं कि शिवाजी महाराज के शत्रुओं की तो रीढ़ की हड्डी भी नहीं होती थी? शिवाजी महाराज की सेना आती दिखी नहीं कि मुगलों के, आदिलशाहियों के, कुतुबशाहियों के जितने पुरुष होते थे वो अपनी जान बचा के भाग जाते थे और अपने घरों में, अपने हरम में रानियां और उनकी दासियां उनको छोड़ देते थे? अब सोच के देखिए, एक सेना दंदनाती हुई आ रही है और घर में अकेली कुछ महिलाएं हैं, डर तो लगेगा। इस डर का वर्णन किया है कविराज भूषण ने और इसकी आड़ में ये बताया है कि शिवाजी महाराज के शत्रुओं में पुरुषार्थ तो नाम का भी नहीं था, वो सब नपुंसक मात्र नाम के पुरुष थे। और जब शिवाजी महाराज की सेना आती थी तो पूरे सम्मान के साथ इन सभी नारियों का रक्षा का, खाने पीने का, रहने का प्रबंध किया जाता था और ये सभी छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य में सुख से जीवन यापन करती थीं। तो आज की कड़ी में शिवाजी महाराज के इस आतंक की बात पर एक और छंद है वो सुनेंगे और शिवाजी महाराज के राज्य में नारी सम्मान के विषय पर कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं उन्हीं की जबानी सुनेंगे। इसके साथ साथ एक बड़ी मजेदार कहानी भी सुनेंगे। तो आइए सबसे पहले शिवा बावनी में से ओज से ओतप्रोत कविराज भूषण द्वारा लिखित ये छंद सुने लेते हैं। कत्ता की कराकनी, चकत्ता की कटक काटी, कीन्ही सिवराज वीर अकह-कहाानियां, भूषण भनत और मुलुक तिहारी धाक, दिल्ली और बिलायत सकल बिललानिया, आगरे अगारन की नांगती पगारन, समारती न बारन बदन कुम्हलानिया, की भी कहे कहा और गरीबी गहे भाग जाही, बीबी गहे सुथनी सुनी भी गहे रानिया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग छंद है, थोड़ा जटिल है। इसका अर्थ इस चलचित्र के अंत में देखेंगे। सर्वप्रथम नारी सम्मान के संदर्भ में शिवाजी महाराज के विषय में इतिहासकारों ने क्या लिखा है, जरा इस पर एक नजर डाले लेते हैं। अब नजर डालने के लिए नजर बट्टू भी चाहिए होता है। तो जो मैं पढ़ रहा हूं वो जाने माने इतिहासकार श्री गजानन भास्कर महेंद्रे जी की पुस्तक शिवाजी एंड हिज टाइम्स, उसमें से है और ये सार है खफी खान नामक एक इतिहासकार के ग्रंथ में से। हिज हाइएस्ट मॉरल वर्च्यू वॉज हिज आउटलुक अपॉन वेमेन। He had extraordinary respect for womanhood. He abhorred rape and violence and punished severely those who were guilty of such crimes. Shivaji Maharaj ka sarvottam gun nari samman tha aur balatkar, vyabhichar, striyon ke shoshan jaise ghranit karya karne walon ko Chhatrapati Shivaji Maharaj kade se kada dand diya karte the. Is Khafi Khan ka naam Muhammad Hashim tha. Aurangzeb ke darbar mein itihaskar tha to sabhi marathon ke bare mein likhte hue ye badi galiyan nikalta tha. इस मोहम्मद हाशिम को खफी खान का खिताब मिला हुआ था। इस खफी खान ने भी जब छत्रपति शिवाजी महाराज के नारी सम्मान के विषय में लिखा है तो ये भी तारीफ किए बगैर रह नहीं पाया है। इसी के ग्रंथ का अनुवादित अंश सुनिए। शिवाजी हैड ऑलवेज स्ट्रिवन टू मेंटेन द ऑनर ऑफ द पीपल इन हिज टेरिटरीज। ही एंटायरली एब्सटेन्ड फ्रॉम डिसग्रेसफुल एक्ट्स। ये डिसग्रेसफुल एक्ट्स अर्थात कुत्सित घृणित कार्य क्या है? वही बलात्कार, व्याभिचार, नारियों का शोषण। ही एब्सटेंड, शिवाजी महाराज कभी भी ऐसा नहीं करते थे ना करवाते थे। एंड वॉज केयरफुल टू मेंटेन द ऑनर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ मुस्लिम्स व्हेन दे फेल इनटू हिज हैंड्स। शिवाजी महाराज ने आक्रमण करके जहां जहां मुगलों के, कुतुबशाहियों के, आदिलशाहियों के क्षेत्रों को अपने राज्य में मिला लिया, वहां वहां मुसलमान नारियां और बच्चे जो उनकी शरण में आए उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया गया। His injunctions upon this point were very strict. जो उनके आदेश थे वो बिल्कुल कड़े शब्दों में सीधे सटीक होते थे। क्या? Anyone who disobeyed them received punishment. जो भी नारियों के प्रति थोड़ा सा भी दुर्व्यवहार करता था उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलती थी। ऐसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत से लेखकों ने, बहुत से इतिहासकारों ने शिवाजी महाराज के समदृष्टा होने पर और उनके नारी सम्मान पर बहुत कुछ अच्छी अच्छी आंखों देखी बातें लिखी हैं। ऐसे ही एक आंखों देखी बात है, एक कहानी है, बड़ी रोचक है, सुनिए। ये वो समय था जब शिवाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज होने जा रहे थे। रायगढ़ के चारों ओर उनके सेनानायक फैले हुए थे और विजयश्री के ऊपर विजयश्री शिवाजी महाराज के समक्ष प्रस्तुत हो रही थी। ऐसे ही एक बहुत बलशाली, बड़े अच्छे सेनानायक थे
उन्होंने एक स्थानीय राजा जो कि मनसबदार था उसे हराया। वो राजा गढ़पाल भी था, उसका एक हरम भी था और उसमें बहुत सारी रानियां थीं, उनकी दासियां भी थीं। और सुनते हैं कि जो पटरानी थीं उनकी सुंदरता के चर्चे बहुत थे। इतना ही नहीं, इस मनसबदार की, इस राजा की युद्ध की जो स्ट्रेटेजी होती थी और जो क्षेत्र के संचालन की व्यवस्था की जो बातें होती थीं, ये पटरानी उन सब की भी देखरेख करती थीं। तो अक्ल और शक्ल दोनों से सुंदर थीं। जब इस मनसबदार ने अपने हथियार डाले तो उसके हरम में से सभी रानियां सभी दासियों की रक्षा करते हुए कुछ को अपने घर भेजा गया और कुछ को उसी क्षेत्र में संरक्षण दिया गया। बात आई पटरानी की, ये पटरानी पॉलिटिकली एक्टिव थी, क्या किया जाए। सेना नायक ने सोचा कि भाई इन्हें मैं अपने साथ रायगढ़ लिए चलता हूँ, जो करना है शिवाजी महाराज करेंगे। तो उन पटरानी को अपने साथ लेकर रायगढ़ के दरबार में ये सेना नायक पहुँच गए। जब शिवाजी महाराज के समक्ष प्रस्तुत हुए तो पीछे घूंघट में ये रानी भी खड़ी थी। पूरी सभा भौचक्की रह गई, किस तरह से रिएक्ट करें किसी के समझ में ना आए। सेना नायक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। शिवाजी महाराज ने उन सेना नायक से उस कैंपेन का, पूरे युद्ध का ब्यौरा सुना और अंत में उन सेना नायक ने मात्र इतना कहा कि महाराज ये पटरानी हैं, इनके साथ जैसा व्यवहार आप ठीक समझें वैसा कीजिए। शिवाजी महाराज अपने सिंहासन से खड़े हुए, सीढ़ियों से नीचे उतरे और धीरे धीरे पटरानी के पास पहुंचे और कहते क्या हैं कि माँ, मेरे हृदय में, मेरे राज्य में आपका वही स्थान है जो राजमाता जीजाबाई का हम सब के लिए है। आप मेरी माँ जैसी नहीं, मेरी माँ ही हैं। तुरंत सेना नायक की ओर मुंह करते हुए शिवाजी महाराज ने कहा कि इन्हें पूरे सम्मान के साथ इनके महल में पहुंचाया जाए और आजीवन इनकी उसी प्रकार से रक्षा की जाए जैसे आप स्वयं अपनी माँ की करते हो। पूरी सभा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज गई। उन पटरानी ने अपने हाथ जोड़ने चाहे पर शिवाजी महाराज ने कहा, माँ, अपने बेटे के आगे कौन सी माँ हाथ जोड़ती है, ऐसा मत कीजिए। हाथ तो आपके आगे मैं जोड़े खड़ा हूँ। आपके विषय में हमने बहुत कुछ सुना है। हमारा अहोभाग्य है कि आप यहाँ पधारी और ये हमारे राष्ट्र का भी सौभाग्य है कि आपसे विचार विमर्श करने के हमको मौके मिलते रहेंगे। तो ये और इस तरह की बहुत सारी घटनाएं महिलाओं के विषय में शिवाजी महाराज के राज्य में आम बात थी। नारी सम्मान को वो धर्म ही समझते थे। माँ भवानी के उपासक, आदिशक्ति के उपासक कुछ और सोच भी कैसे सकते हैं। तो आइए इसी बात पर आज का जो छंद है उसका अर्थ भी देखे लेते हैं। पहला पद है, कत्ता की कराकनी चकत्ता की कटक काटी कीन्हि सिवराज वीर अकह-कहानियां। कत्ता अर्थात शिवाजी महाराज की वो कटार जिसकी नोक थोड़ी टेढ़ी, जिससे कि शिवाजी महाराज ने अफजल खां का वध किया था, वो कटार। और उसकी कराकनी, कराकनी अर्थात धार। तो उस कटार की धार से क्या किया शिवाजी महाराज ने, चकत्ता अर्थात चकताई खान का वंशज कौन, औरंगजेब, चकत्ता की कटक काटी, कटक अर्थात सेना, किन्हि सिवराज वीर अकह कहानियां। तो शिवाजी महाराज की जो कटार है उसकी और उनकी जो तलवार है उसकी ऐसी ऐसी कहानियां हैं कि क्या कहने। भूषण भनत और मुलुक तिहारी धाक, तिहारी अर्थात छत्रपति शिवाजी महाराज आपकी जो धाक है वो, और मुल्क अर्थात नवनिर्मित होते हुए मराठा साम्राज्य के बाहर जो देश थे, कविराज भूषण कहते हैं, भूषण भनत, उनमें भी शिवाजी महाराज आपकी धाक ऐसी है कि दिल्ली और बिलायत सकल बिल्लानियां। दिल्ली अर्थात मुगल और बिलायत, उस समय भारत में अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रेंच ये सब थे, इन सब की जो नारियां थीं सकल बिल्लानियां, वो विलाप करती रहती थीं। क्यों? क्योंकि भाई उनके जो पुरुष थे वो तो शिवाजी महाराज के डर के मारे भाग जाते थे, इनको छोड़ करके तो डरेंगी तो है ही। ये तो बात की बात है कि इन नारियों का शिवाजी महाराज के राज्य में बाल भी बांका नहीं होता था, पर भाई उससे पहले तो डर लगता था ना, तो विलाप करती थी। इसका उल्लेख कविराज भूषण कर रहे हैं, आगरे अगारन की नांगती पगारन संहारती न बारन बदन कुम्हलानिया। आगरे अगारन, आगार जो शब्द है संस्कृत में वो गृह, घर को कहते हैं। तो जो एक शब्दों का समूह है, घर द्वार या घर बार, बहुत सारे घर, उसको ब्रजभाषा में आगरे अगारन, जहां न लगता है शब्द के अंत में, इसका मतलब बहुत सारे। तो बहुत सारे घर बार, और इन बहुत सारे घर बारों की नांगती, लांघती, क्या लांघ रही हैं, पगारन, जो घर की चार दीवारी होती थी उसको लांघ करके महिलाएं भाग रही हैं। कहने का मतलब ये कि पुरुष तो भाग गए हैं, ये महिलाएं करें तो क्या करें। संहारती न बारन बदन कुम्हलानिया, बारन जो है वो रुकावट को कहते हैं, जैसे वारना होता है कि भाई रोकना, ये उसके लिए शब्द है कि एक प्रकार से जो पाबंदी हुआ करती थी मुगलों के समय में कि भाई हमारी महिलाएं ये सब नहीं करेंगी, यहाँ नहीं जाएंगी, हरम छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगी, इन सब पाबंदियों को चूल्हे में डालते हुए ये महिलाएं कुम्हलाई हुई, मुरझाई हुई भाग रही हैं,
आगरे अगारन की नांगती पघारन समारती न बारन बदन कुम्हलानिया और की भी कहे कहा। की भी ये शब्द किबला अर्थात जो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे मुगलों के उनके लिए कहा गया है कि ये जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं ये सोच रहे हैं हम कहाँ जाएं। भाई इन्होंने अपनी प्रतिष्ठा लोगों को लूट खसोट करके ही तो बनाई है, इनके महलों में लूट खसोट का सामान है और इन्हें पता है कि शिवाजी महाराज की जब सेना आएगी तो हमारे घर पे धावा बोलेगी। सूरत में ऐसा हो चुका था। ये जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं ये सोच रहे हैं हम कहाँ जाएं और गरीब जो है गरीबी गहे भाग जाएं। ये जो पद है इसमें गहे यमक अलंकार है, इसका 3 बार प्रयोग किया गया है, अलग अलग अर्थ है। यहाँ पर गहे ग्रह घर को बोल रहे हैं कि गरीब जो व्यक्ति है वो कह रहा है भाई मैं सड़कों पर नहीं जाऊंगा क्योंकि शिवाजी महाराज के हाथी घोड़े आएंगे, मैं अपने घर में घुस जाता हूँ। सबको इतना मालूम है कि गरीब के घर को शिवाजी महाराज का सैनिक कुछ भी नहीं कहेगा, उनको छोड़ देंगे, तो गरीब जो है वो घर में भाग जाते हैं, वहां पर वो सेफ है, सुरक्षित है। और बीबी गहे सुसिनी सुनी भी गहे रानिया। यहाँ पर गहे जो शब्द है उसका अर्थ है पकड़ना, कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं इनकी बीवी ये अपने कपड़े सूथना पजामे को कहते हैं, तो बीवी गहे सूथनी ये अपने कपड़े पैक करके भाग रही हैं, और जो बड़ी रानियां हैं वो सुनी भी गहे रानियां। सुनी भी अर्थात पजामे में जो नाड़ा पड़ता है इजारबंद फुफुंदी, तो उस नाड़े को पकड़ के रानियां भाग रही हैं। तो ये हालत है शिवाजी महाराज के आक्रमण से पहले की, और ये हालत इसलिए है कि मुगलों का जो तथाकथित पुरुष वर्ग है वो नपुंसकों की भांति अपनी बीवियों को रानियों को दासियों को छोड़ के भाग चुका है कि भाई हम तो अपनी नारियों की रक्षा नहीं कर सकते हैं, शिवाजी महाराज आप आएंगे आप ही कीजिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर। शिवाजी महाराज भी सोचते थे चलो ठीक है, तुम लोगों को तो आता नहीं है महिलाओं की कैसे इज्जत करते हैं, चलो मैं सिखाता हूँ। तो इसी बात पर शिवा बावनी के इस मनहरण कवित को एक बार फिर से सुन लेते हैं। कत्ता की कराकनी चकत्ता की कटक काट कीन्ही सिवराज वीर अकह कहानियां भूषण भनत और मुलुक तिहारी धाक दिल्ली और बिलायत सकल बिल्लानिया आगरे अगारन की नांगती पगारन संहारती न बारन बदन कुम्हलानिया की भी कहे कहां गरीबी घरे भाग जाई बीबी गहे सुसनी सुनी भी गहे रानिया। तो यह है छंद कत्ता की कराकनी और यह है डिस्कशन छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य में नारी सम्मान के ऊपर। इसी विषय पर कुछ अन्य छंद लेकर और कुछ इतिहासकारों की बातें लेकर आने वाली कड़ियों में आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। बने रहिए हमारे साथ, स्वस्थ और सुखी रहिए, समृद्धि सदा आपके जीवन में बनी रहे। जय माँ भवानी, जय भारत।